चंपा मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चंपा मुजफ्फरनगर के प्रभारी बनाए जाने पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मुजफ्फरनगर पहुंचे। भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने बजट को हितकारी और विकसित भारत का नया संकल्प लाने को बताया। महंगाई और बेरोजगारी के विषय पर कोविड के बाद महंगाई बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कार्य केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने को भी कहा। प्राइम डे न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट, पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। जी मंत्री जी, आप मुजफ्फरनगर के प्रभारी बनाए गए हैं, मुजफ्फरनगर में भाजपा की स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित नागरिकों का साधुवाद करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा और अपना जो पार्टी हमारा एक परिवार है, सभी परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के जहाँ कोई कमी रह गई होगी उसे दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्री जी, किसानों के कई मुद्दे इस जिले में चल रहे हैं, उसको लेकर बड़े धरने भी चल रहे हैं, किसानों को संतुष्ट कैसे करेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद मोदी जी एकमात्र वो नेता हैं जिन्होंने किसानों के हित में किसानों को प्राथमिकता पर लेकर किसानों के लिए योजनाएं, सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, ये सब लेकर आने का काम किया है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया। अच्छा, जिले के जिला पंचायत सदस्य हैं विपक्षी जो हैं, वो बार बार आरोप लगाते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें काम नहीं दिया जाते। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ काम करती है। हो सकता है किसी व्यक्ति का अपना वो हो, लेकिन हम लोग सभी को साथ लेकर चलते हैं। बिजली के मीटरों का बड़ा विरोध हो रहा है, गाँव में किसान विरोध कर रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रयास यही है, हम लोग एक अवेयरनेस के माध्यम से, और मैं विभाग के अपने अधिकारियों से भी यही बात कहता हूं कि सभी लोग गांव में जाके मिले लोगों से, उन्हें बताएं, कुछ भ्रांतियां लोगों ने पैदा की इस मीटर को लेकर, उसे दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि प्रयास करते रहेंगे तो परिणाम आएगा। शामली में जबरदस्ती मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने डीएम को पत्र लिखा है पीएससी मंगाने के लिए। मैंने कहा ना, हम लोगों का काम जागरूकता के साथ, हमें बताना है कि मीटर किस लिए लगाया जा रहा है, और मैं विभाग के सभी लोगों से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और उन्हें निर्देशित भी कर रहे हैं कि वो गांव-गांव में जाके कैंप करें, लोगों को समझाएं। मंत्री जी, आवारा पशुओं की समस्या है, किसान के साथ साथ आम आदमी भी परेशान है, कैसे उसे उसका निस्तारण करें? देखिए सरकार, यदि मैं निराश्रित पशुओं की बात करें, हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं किसानों से भी कि इस तरह से किसान ना छोड़ें, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ये भी प्रयास कर रही है नए गो, अभी हम लोग गौशालाएँ भी, इसके अलावा सरकार की प्राथमिकता पे है कि इस तरह से जो हमारे निराश्रित पशु हैं वो भी सुरक्षित रहे, ये प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गन्ने के रेट को लेकर आशंकाएं हैं, भुगतान नहीं हो रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमेशा गन्ना किसान हो, चाहे आलू का किसान हो, चाहे धान का किसान हो, सभी को प्रायोरिटी पर लेकर हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार